हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो अपना जो विद्युत रसायन के अंदर जो टॉपिक चल रहा था कोलराउस नियम, तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इसके संबंधित परिभाषा वगैरह, उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वो अपन ने कल कर लिए थे। आज अपन अध्ययन करेंगे कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। टॉपिक है अपना कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग तीन चार है, तो उसमें नंबर एक है अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक। ये पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग कोलराउस नियम का, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। यानी कोई भी अपने को दुर्बल विद्युत अपघट्य देगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की एक देगा, अपने उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी होती है। तो किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता का मान होता है, वह प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की सहायता से अपन ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस नियम का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा अपने को कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दे देगा और तीन दे देगा प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो उन तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से जो एक अपना दुर्बल विद्युत अपघट्य देगा, उसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपने को ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो उसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, जैसे अपने को एक दुर्बल विद्युत अपघट्य दे दिया CH3COOH, ऐसा विद्युत अपघट्य है दुर्बल, ठीक है। और इसकी ज्ञात करनी है, इसके लिए अपने को चार दे देगा उसने, जैसे CH3COONH, एक दे दिया अपने को जैसे NaCl और एक दे दिया अपने को HCl, ये तीन कैसे हैं प्रबल, ये तीन कैसे हैं प्रबल। तो इस एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता तीन प्रबल विद्युत अपघट्य से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसके अनंत तनुता पर मोलर चालकता जैसे लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COOH, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COOH, इसको मैं और खोलकर आपको समझा देता हूं। जैसे CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO- प्लस एच प्लस, ऐसे वियोजित होगा। तो इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे हो जाएगी, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COOH, कोलराउस नियम का उपयोग करते हुए लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COO- यानी ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव एच प्लस यानी धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ऐसे अपन इस कोलराउस नियम की सहायता से उनको लिख सकते हैं। उसको दे दिया समीकरण नंबर एक। अब जो दूसरा अपना है CH3COONe, तो इसकी कोलराउस समीकरण में डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COONe, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COONe, इसको कैसे लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COO- ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव सोडियम प्लस यानी की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और इसको दे दिया समीकरण नंबर दो, ठीक। अब दे दिया अपन को NaCl, तो लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl, ये कैसे टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, तो लैम्डा इन्फिनेटिव NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl के अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होगी, लैम्डा इन्फिनेटिव Na प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl माइनस,
धनायन के अनंतर उनका मोल चलता और ऋणायन के अनंतर उनका पर मोलर चलता और उसको समीकरण दे दीजिए समीकरण नंबर तीन। अब कौन बचा HCl, ये किसमें टूटेगा HCl कैसे टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, इसकी कोलर समीकरण कैसे हो जाएगी लैम्डा इनफिनिटू HCl लैम्डा इनफिनिटू HCl सोडियम क्लोराइड के अनंतर उनका पर मोलर चालकता बराबर लैम्डा इनफिनिटू H प्लस प्लस लैम्डा इनफिनिटू Cl माइनस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता समीकरण नंबर ले दिए अपने को चार। ऐसे अपन उसको जो भी विद्युत घटे देगा एक दुर्बल देगा तीन देगा अपने को प्रबल, उनके ऐसे कोलराफ समीकरण अपने को बना देगी। ठीक है, अब जो अपने को जो तीन प्रबल विद्युत घटे दिए हैं इनमें से किन्हीं दो समीकरण को जोड़ो और एक को घटाओ ताकि अपने को जो दुर्बल विद्युत घटे दिया है वो समीकरण अपने को प्राप्त हो जाए, ऐसा अपने को यहां पर करना है। तो इसका सीधा सीधा रास्ता मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। जो अपने को जो दुर्बल विद्युत घटे दिया है CH3COOH, ये आयनित होकर किसमें टूटा है CH3CO- में और H+ में, तो अपने को ये दो आयन चाहिए CH3CO- या लैम्डा इनफिनिटी CH3CO के अनंत मोलर चालकता और लैम्डा इनफिनिटी H+ यानी H+ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो ये इन दोनों का अपने को योग करना है। तो ये दोनों इनमें से समीकरण नंबर दो तीन और चार में से जो प्रबल विद्युत अपघटन दिए हैं चार, इनमें से कौन कौन से में CH3CO- चाहिए अपने को CH3CO- क्या समीकरण नंबर दो में है, एक तो ये और एक चाहिए अपने को H+ लैम्डा इनफिनिटी H+ कहां पर है लैम्डा इनफिनिटी H+ ये रहा समीकरण नंबर चार। अब ये समीकरण आप कैसे एडजस्ट करते हो, चाहे इसको दो ले दो इसको तीन, ये इनका क्रम बदल दो इसको मायने नहीं रखता, तो अपने को तो एक तो ये चाहिए एक अपने को ये चाहिए, तो समीकरण नंबर दो का कुछ मैटर चाह रहा है समीकरण नंबर चार का कुछ मैटर चाह रहा है और समीकरण नंबर तीन अपनी ऐसी जिसका कुछ भी नहीं मिल रहा अपने को, तो जिसका कुछ मैटर अपने को चाहिए उन दोनों को तो जोड़ दो समीकरण तीन को उसमें घटा दो। तो अपने को लिखना है समीकरण दो व चार को जोड़कर समीकरण दो को घटाने पर यह समीकरण तीन को घटाने पर समीकरण दो और चार को तो जोड़ना है और समीकरण तीन को उसमें से घटाना है, तो क्या प्राप्त होगा अपने को लैम्डा इनफिनिटिव सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये तो प्राप्त करना है अपने को। ठीक, बराबर क्या करेंगे लैम्डा दो चार कौन सी है तो क्या हो जाएगा लैम्डा इनफिनिटिव सी एच थ्री सी ओ ओ एन ये था प्लस समीकरण चार ये लैम्डा इनफिनिटिव एच सी एल माइनस लैम्डा इनफिनिटिव एन ए सी एल। ठीक है, चलिए लैम्डा इनफिनिटिव सी एच थ्री सी ओ ओ एच बराबर इसकी वैल्यू कहां पर है ये नहीं, ये दोनों वैल्यू लिख देते हैं अपने यहां पर लैम्डा इनफिनिटिव सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस लैम्डा इनफिनिटिव एन ए प्लस। ठीक है, कौन समझ गया एच एल तो एच एल की वैल्यू ये प्लस लैम्डा इनफिनिटिव एच प्लस प्लस लैम्डा इनफिनिटिव सी एल माइनस। ठीक है, कौन सा बचा एनिशियल तो ये घटाना है इसको तो क्या लगाएंगे माइनस माइनस लैम्डा इनफिनिटी एनिशियल किसमें टूट रहा है एनए प्लस में, तो एनए प्लस प्लस करना है अपने को, क्या है प्लस परंतु यहां पर प्लस होना चाहिए तो भार क्या है माइनस है घटा रहे थे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस लैम्डा इनफिनिटी सी एल माइनस भाई यहाँ पर घटा रहे पर प्लस का चिन्ह था ये किसमें टूट रहा है इन्फिनिटी एन प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस प्लस का है परंतु घटा रहे तो बाहर क्या चिन्ह था माइनस तो अंदर का प्लस का किस्म हो जाएगा माइनस में। अब देखिए लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी सी एल माइनस और लैम्डा इन्फिनिटी ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, क्या बचा अपना
लैम्डा इन्फिनेटिव सी एच डी सी ओ ओ एच बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस, ये बता ये कट गया, प्लस क्या बच रहा अपना लैम्डा इन्फिनेटिव एच प्लस ये कट गए, तो ये अपनी समीकरण प्राप्त होगी समीकरण नंबर एक वापिस। तो ठीक है, तो इस प्रकार क्या दिया अपने, एक दुर्बल विद्युत अवघट दिया, तीन दिए अपने को प्रबल विद्युत अवघट, तो प्रबल विद्युत अवघट सहायता से अपने दुर्बल विद्युत अवघट के अनंतानुताप मोलर सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने के समीकरण प्राप्त होगा वापिस। इस प्रकार अपने को किसी भी दुर्बल विद्युत अवघट के अनंतानुताप मोलर सांद्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं कोलराव नियम का उपयोग करते हुए। इस पर अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं बहुत बार, तो क्या करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, इसमें मैं आपको करवाऊंगा और फिर भी मैं हल्का सा आपको बता रहा हूँ कि अपने को एक दुर्बल विद्युत अवघट दे देकर कहकर इसके अनंत अनुताप मोलर चालकता का मान ज्ञात कीजिए, और तीन जो प्रबल विद्युत अवघट देगा उनकी मान उनकी वैल्यू अपने को पेपर के अंदर दे देगा। तो फिर अपने को देख रहे हैं दुर्बल विद्युत किन की वैल्यू को जोड़ने पर किसको घटाने पर ये प्राप्त हो जाए, तो जो दो दुर्बल विद्युत अवघट है किन्हीं दो को जोड़कर एक जो घटा उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिले उसको अपने उसकी वैल्यू कुछ भी से घटा देना, जो वैल्यू है अपनी दुर्बल विद्युत अवघट के अनंत अनुताप मोलर चालकता मान आ जाए। ठीक है, तो ये तो अपना पहला अनुप्रयोग था दुर्बल विद्युत अवघट के अनंत अनुताप मोलर चालकता ज्ञात करना, और एक तरीका और है अपना दुर्बल विद्युत अवघट के अनंत अनुताप मोलर चालकता ज्ञात करने का, वो क्या है, आयनों के अभिगमनांकों द्वारा। दूसरा तरीका कौन सा अपना, आयनों के अभिगमनांकों द्वारा, सेकंड है आयनों के अभिगमनांकों द्वारा, आयनों के अभिगमनांकों द्वारा दुर्बल विद्युत अवघट्य के अनंत अनुताप मोलर चालकता ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो देखते हैं अपन अभिगमनांक क्या होता है, अभिगमनांक होता क्या है, तो किसी भी आयन का अभिगमनांक चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, तो किसी भी आयन का अभिगमनांक होता है उस आयन के अनंत अनुताप मोलर चालकता, वह कुल मोलर चालकता का अनुपात को कहते हैं अभिगमनांक। किसी भी आयन या धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक क्या होता है, उस आयन की अनंत अनुताप मोलर चालकता वह कुल मोलर चालकता के अनुपात को कहते हैं अभिगमनांक। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूंगी धनायन का अभिगमनांक धनायन का अभिगमनांक यानी एन सी, इसे पता कहते हैं एन धनायन का अभिगमनांक सी फॉर कैटायन, यानी धनायन का अभिगमनांक क्या होगा, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता अपोन विद्युत अवघट्य की कुल मोलर चालकता। ठीक, यह कहलाता है धनायन का अभिगमनांक, यानी कैसे लिख सकते हैं एन सी बराबर धनायन की अनंत अनुताप मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनेटिव प्लस, ठीक, अपॉन लैम्डा इन्फिनेटिव यानी विद्युत कुल मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनेटिव। ठीक, या इसको अपन लिख सकते इसके नीचे क्या हो सकता है लैम्डा इन्फिनेटिव, लैम्डा इन्फिनेटिव या धनायन की लैम्डा इन्फिनेटिव प्लस धनायन के अनंत अनुताप मोलर चालकता, इस नीचे तिरछा गुण क्या हो जाएगा एन सी
लैम्डा इनफिनिटिव एन सी लैम्डा इनफिनिटिव समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं ऋणायन का अभिगमनांक, ऋणायन का अभिगमनांक, तो ऋणायन का अभिगमनांक यानी एन ए फोर एन आई यानी ऋणायन, ऋणायन का अभिगमनांक ऋणायन के अनंतमता पर मोलर चालकता बटा विद्युत अवघटक की कुल मोलर चालकता। एन ए बराबर डायरेक्ट कर रहा हूं लैम्डा इन्फिनेटिव प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस बटा लैम्डा इन्फिनेटिव कुल मोलर चालक, ठीक है। या इसके नीचे तो वापिस कैश कर सकते हैं लैम्डा इन्फिनेटिव ऋणायन की अनंत अनंत मोलर चालक बराबर क्या हो जाएगा एन ए इंटू लैम्डा इन्फिनेटिव, ठीक। तो ये दो इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर दो। इस पर धनायन और ऋणायन की अभिगमनांक आ गए अपने, तो क्या लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनेटिव एन किसी विद्युत अवघटक पर मोर्चा धनायन ऋणायन के योग के बराबर, तो दोनों को जोड़ दो एन सी लैम्डा इन्फिनेटिव प्लस एन ए लैम्डा इन्फिनेटिव। इस प्रकार अपने किसी भी विद्युत अवघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आयनों के अभिगमनांक द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था अपना पहला एप्लीकेशन, पहला अनुप्रयोग कोलराउस का दुर्बल विद्युत अवघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, ठीक है। तो ये तो कोई ज्यादा महत्व का नहीं, जो पहला अपना है उसके पर अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो अपने को सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।